दोस्तों आज की कहानी है बहू एक ऐसा पराठा है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अरे कितनी खूबसूरत सुंदर मनमोहक मुस्कान बड़ी बड़ी आंखों वाली ये किसकी लड़की है सरला, किरण अपनी सहेली सरला से पूछती है। सरला ने कहा, ये मेरी बेटी मैक की सहेली है प्रीता। मैक की शादी में प्रीता उसकी सखी खूब सज सवर कर पहुंची थी। जो देखे उसे मंत्रमुग्ध हो जाए। किरण भी उसकी सुंदरता वो आकर्षक मुस्कान से सूटती न रह पाई। किरण को प्रीता अपने बेटे नीरज के लिए पसंद आ गई थी। मैक की शादी बीतते ही किरण ने प्रीता के घर वालों का पता किया। प्रीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। उससे छोटा एक उसका भाई और एक बहन थी। अगले हफ्ते किरण सरला के साथ अपने बेटे का रिश्ता लेकर प्रीता के घर पहुंच गई। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था तो प्रीता के माँ बाप भी मना नहीं कर पाए। प्रीता के घर जल्दी ही सेनाई बज गई। प्रीता एक नववधु की तरह सुगत सपनों को सजोए अपने नए घर में आ गई। प्रीता के ससुराल में किरण जी के अलावा अशोक जी प्रीता के ससुर, नीरज और रश्मि प्रीता की ननद रहते थे। रश्मि ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। प्रीता के माँ बाप ने अपनी सेहत के बढ़कर खूब खर्चा किया और सारे मेहमानों को खुश कर दिया। 2-4 दिन के बाद धीमे धीमे घर से मेहमान खाली हो गए। मेहमानों के जाने के बाद प्रीता की पहली रसोई ही जिसमें उसे खाना पकाना है। किरण जी के यहाँ की रस्म है कि बहू को पहली रसोई में सने की दाल के पराठे, खीर और धनिया टमाटर की चटनी बनानी होती है। किरण जी प्रीता से बोली, प्रीता कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है, कल सुबह का खाना तुम बनाओगी प्रीता बेटा। प्रीता बोली, जी मम्मी जी। अगले दिन वह जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर किचन में आ जाती है। प्रीता बहुत घबराई हुई थी। प्रीता को खाना बनाना तो आता ही पर दाल के पराठे उसने कभी बनाए नहीं थे। तभी किरण जी की कोई फ्रेंड उनसे मिलने घर आ गई। किरण जी ने उन्हें रश्मि से बोला कि रश्मि बेटा तुम भाभी की कुछ हेल्प कर दो। रश्मि प्रीता से पूछी, भाभी कुछ हेल्प करनी है या आप कर लोगी। प्रीता संकोच में कुछ कह ना पाई और रश्मि अपना मोबाइल देखते हुए चली गई। प्रीता ने खीर और चटनी तो बना ली, अब पराठे की बारी थी। प्रीता अकेले अपनी साड़ी की पल्लू को कमर में खोस डाल के पराठे बनाने में लग गई। 4-5 पराठे ही बना पाई थी। बड़ी मुश्किल से वह भी फटफट के दाल भी बाहर आ रही थी। कोई भी पराठा सही ढंग से नहीं बना पाई थी। तभी किरण जी अपनी दोस्त के सले जाने के बाद किचन में आ गई। प्रीता अपने खराब पराठों को देख मन महसूस कर डरती हुई मन में सोची कि अभी मम्मी जी कुछ सुनाए ना। किरण अपने नए पराठे को बनाने की कोशिश जारी रखती है। किरण जी बोली, अरे बेटा एक भी पराठा सही नहीं बन पा रहा है, लाओ मैं बनाकर दिखाती हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो, ये तुम्हारा ही घर है। मुझे पता है कि धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी तुम। पराठे बनाते समय किरण जी प्रीता को प्यार से समझाती हैं, बेटा जैसे दाल के पराठे पर आहिस्ता आहिस्ता बेलन लगाया जाता है ताकि वह पराठा ना फटे और धीमे धीमे बड़ा होता जाए, उसी तरह गृहस्थी की गाड़ी में तुम्हें और नीरज को प्यार का धक्का धीरे धीरे लगाना है जिससे गाड़ी प्यार से सले, कभी पटड़ी से ना उतरे। कभी भी नीरज की गलती हो तो तुम रुक जाना, उसे प्यार से समझाना, फिर तुम्हारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी और अच्छी दाल के पराठे की तरह अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह सलाना। प्रीता मद मद मुस्कुराकर मन में सोचती है कि मम्मी जी ने आज मुझे वैवाहिक जीवन की इतनी बड़ी सीख कितनी आसानी से समझा दी, मैं अब इसका पालन करूंगी। मेरी मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, वह समझदार हैं। दोस्तों कहानी से सीख मिलती है। जैसे प्रीता की सास ने प्रीता को प्यार से समझाया,
वैसे ही हर सास को मिलजुल कर ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए, और अपनी बहुओं को अगर कुछ ना आए तो ऐसे ही प्यार से सिखाना चाहिए, बल्कि ऐसे कुछ लड़ झगड़ के नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।